विराज की खुशी को लगी हरियाली की नजर। सितारा विराज का साथ देख हरियाली को हुई जलन। सीरियल सितारा विषयामृत में आज विराज बेहद खुश है। लंबे वक्त से कोमा में पड़ी सितारा को होश जो आ गया है और सितारा की तबीयत ठीक होने के पीछे हरियाली का हाथ है, लेकिन इसके पीछे भी हरियाली की सोची समझी चाल है। फिलहाल तो सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी कंपनी के लिए। चलो अब तुम जाओ, सितारा को आराम करने। अरे पर जाने की जरूरत है, मैं ये भी रहता हूँ, सितारा से टाइम स्पेंड कर लूँगा। बिल्कुल नहीं, अगर तुम यहाँ रहोगे सितारा बिल्कुल आराम नहीं कर पाएगी। चलो। अरे मैं कुछ नहीं बोलूँगा ना। चल। मैं दूर बैठ जाऊँ। सितारा अब ठीक है, ऐसे में विराज अपने रूम को बेहतर बनाने में लगे हैं ताकि वो सितारा को सरप्राइज दे सकें। और वहीं विराज की ये खुशी हरियाली को टेंशन दे रही है। क्या हुआ तुम्हें? हाँ ये स्टैचू क्यों बन गई? रूम में इतनी शांति ऐसा लग रहा कोई है ही नहीं, तुम हो ही नहीं रूम में। क्या हुआ? मैं बस यही सोच रही थी कि सितारा के आते ही तुम तो मुझे भूल जाओगे। अपनी सितारा को सही सलामत देखने के बाद आज विराज हरियाली की हर विश पूरी करना चाहते हैं। उन्हें दिया हुआ अपना वादा पूरा करना चाहते हैं। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, पक्का प्रॉमिस। चाहे जान मांग लो, आजमा के देख लो। तुम्हारी जान नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मुझे जो चाहिए वो जान से कम नहीं। लेकिन जब हरियाली अपनी शर्त विराज के सामने रखती है तो विराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने दिल से उसका नामो निशान मिटा दो। I can't believe this. मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझ रहा था, तो दुश्मनों से भी घटिया निकली। मेरे प्यार के खिलाफ हो गई तुम। विराज अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन सितारा को अपने दिल से निकालना उनके लिए नामुमकिन है और ये बात हरियाली भी जानती है। इसलिए वो विराज को सितारा का सच दिखाने की बात कहती है। असलियत? कैसी असलियत? बताती, एक्चुअली दिखाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तुम्हें तो मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा ना। चलिए बिना देर किए विराज के पास चलते हैं और पहले उनसे ही जानते हैं कि आज अपनी सितारा को ठीक देखकर उन्हें कैसा लगा। विराज के लिए तो विराज को एक तरह से दोबारा एक लाइफ मिल गई है, क्योंकि इतने दिन से वो वेट कर रहे थे कि सितारा होश में आ जाएं और सितारा ठीक हो जाएं। फाइनली वो दिन आ गया है, सितारा इज ऑल ओके नाउ, तो विराज के लिए तो इससे बड़ा कोई दिन ही नहीं हो सकता। वैसे विराज, आपको हरियाली के इरादे भी आज साफ साफ पता चल गए हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि हरियाली का ऐसा रूप भी देखने को मिलेगा? नहीं, हरियाली का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। हरियाली का शुरू से ही इंटेंशन था और इसलिए हरियाली ने बोला हुआ था कि एक दूसरी शर्त है जो मैं वक्त आने पर बताऊँगी, और फाइनली आज उसने वो शर्त सामने रख दी है। और विराज के लिए बहुत शॉकिंग है, विराज ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी कोई शर्त उसके सामने रखी जाएगी। तो वो हमेशा कहता रहा कि चाहे मेरी जान मांग लो, तो लेकिन आज जो शर्त रखी है वो जान मांगने से भी ज्यादा है, तो इसलिए शॉक लग गया विराज को। वेल, हरियाली जितनी नफरत सितारा से करती है, विराज उससे कहीं ज्यादा प्यार अपनी सितारा से करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सितारा की सच्चाई जानकर क्या विराज का प्यार कम हो जाएगा? मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।